नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स चार्ट्स पर दिखने वाले कुछ विशेष पैटर्न्स होते हैं जो कि हमें मार्केट के मूवमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यह पैटर्न्स ट्रेडर्स को यह समझने में मदद करते हैं कि मार्केट की दिशा किस दिशा में मार्केट जा सकता है। एक कैंडलस्टिक के तीन मुख्य हिस्से होते हैं, बॉडी, वीक और शैडो। बॉडी यह कैंडल का मुख्य हिस्सा होता है जो ओपन और क्लोज प्राइस को दर्शाता है। दूसरा है वीक, यह कैंडल के ऊपर और नीचे के हिस्से होते हैं जो हाई और लो प्राइस को दर्शाते हैं। तीसरा शैडो, वीक के साथ ही यह शैडो भी कहलाते हैं। कैंडलस्टिक दो प्रकार के होते हैं, पहला बुलिश और दूसरा बियरिश। बुलिश कैंडलस्टिक जब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर होता है तो यह बुलिश कैंडलस्टिक कहलाता है। इसे आमतौर पर हरे या सफेद रंग में दिखाया जाता है। दूसरा है बियरिश कैंडलस्टिक, जब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से नीचे होता है तो यह बियरिश कैंडलस्टिक कहलाता है। इसे आमतौर पर लाल या काले रंग में दिखाया जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। पहला है डोजी, जब ओपन और क्लोज प्राइस लगभग बराबर होते हैं तो यह पैटर्न्स बनता है। यह मार्केट में अनिश्चितता को दर्शाता है। दूसरा है हैमर और हैंगिंग मैन, यह पैटर्न तब बनता है जब बॉडी छोटी होती है और वीक लंबी होती है। अगर यह डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो इसे हम हैमर कहते हैं और अप ट्रेंड के बाद बनता है तो इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। तीसरा है इनगल्फिंग पैटर्न, जब एक छोटी कैंडलस्टिक को एक बड़ी कैंडलस्टिक पूरी तरह से कवर कर लेती है तो इसे इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। यह बुलिश और बियरिश दोनों हो सकता है। चौथा है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, यह तीन कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो मार्केट रिवर्सल को दर्शाते हैं। अब सवाल आता है कि इन पैटर्न्स का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले आपको चार्ट्स को ध्यान से देखना होगा और पैटर्न्स को पहचानना होगा। एक बार जब आप पैटर्न्स पहचान लेते हैं तो आप उन्हें अपने ट्रेडिंग निर्णयों में शामिल कर सकते हैं। यह ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पर निर्भर न रहें बल्कि अन्य तकनीकी संकेतकों का भी उपयोग करें, जैसे RSI, MACD। ठीक है, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर ध्यान दें, अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कंफर्मेशन लें, मार्केट न्यूज और घटनाओं का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और उनका ट्रेडिंग में कैसे उपयोग किया जाता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद, और अगली वीडियो में फिर